सब्सक्राइब करने के बाद न्यू अपडेट देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सॉलिडवर्क में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सॉलिडवर्क में बटन किस प्रकार बनाया जाता है। सबसे पहले यूनिट को मिलीमीटर में चेंज कर लें। अब फ्रंट प्लेन चूज करें और 2D टूल्स की हेल्प से एक सेंटर रेक्टेंगल क्रिएट करें। अब आर्क की हेल्प से एक आर्क यहाँ से यहाँ तक लगाएं। अब ट्रिम कमांड की हेल्प से पावर ट्रिम कमांड की हेल्प से इस बाकी एरिया को रिमूव कर दें और स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प से इन सबको डायमेंशन दे दें। इसे 20 mm डायमेंशन दे दें। इसे 6 mm डायमेंशन दे दें और इसे भी 6 mm डायमेंशन दे दें। अब इस लाइन पर और इस लाइन पर क्लिक करेंगे और इसे मेक इक्वल कर लेंगे और स्केच से बाहर आ जाएंगे। अब फीचर्स में जाकर रिवॉल्व पॉज बेस पर क्लिक करेंगे और इस लाइन पर क्लिक कर देंगे। राइट पर क्लिक कर देंगे। अब ये प्लेन चूज करें और स्केच पर क्लिक करें और नॉर्मल टू पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर एक सेंटर लाइन से सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे जो वर्टिकल से बिल्कुल सेंटर तक होगी और यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल। अब एक सर्कल क्रिएट करेंगे, सर्कल पर क्लिक करेंगे और एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। अब स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प से इसे डायमेंशन दे देंगे, इसे 8 mm डायमेंशन दे देंगे। अब इस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी इसकी 8 mm दे देंगे और यहाँ से इस लाइन तक की डिस्टेंस भी 8 mm दे देंगे। अब सर्कुलर स्केच पैटर्न में जाकर इस सर्कल पर क्लिक करेंगे और जो ये पॉइंट है इसे ड्रैग करके बिल्कुल सेंटर में ले आएंगे और राइट पर क्लिक कर देंगे। अब स्केच से बाहर आ जाएंगे और फीचर्स में जाकर एक्सट्रूड कट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर थ्रू ऑल कर देंगे और राइट पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने आपका बटन रेडी हो चुका है। अब हम इसे मटेरियल दे देंगे। मटेरियल में मैं इसे प्लास्टिक मटेरियल दूंगा, सैटिन फिनिश। मैं इसे ग्रीन कलर दे रहा हूँ, आप कोई सा भी कलर दे सकते हैं। आपका बटन रेडी है।